इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट क्राई कंपनी के आईपीओ की अपडेट के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्राई कंपनी के आईपीओ की अपडेट आती हुई नजर आ रही है और इस अपडेट के थ्रू आपके लिए बुरी खबर आती हुई नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले अपडेट को समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर बताया गया है कि फर्स्ट क्राई कंपनी जो कि काफी फेमस कंपनी है और ई कॉमर्स कंपनी है, जहां पर आप किट्स वगैरह जो होते हैं उनके काफी बढ़िया सामान यहां से खरीद सकते हैं। यह कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली थी, लेकिन यहां पर बताया गया है कि इस कंपनी ने कुछ महीनों के लिए अपने आईपीओ के प्लान को यहां पर डिले कर दिया है। यानी कि अब यह जो आईपीओ है कुछ दिनों के अंदर ही आने वाला था, अब यह आईपीओ कुछ देरी से आता हुआ नजर आएगा और कुछ महीनों के लिए डिले होता हुआ नजर आ रहा है। आगे यहां पर बताया गया है कि ये जो कंपनी है ये इसका सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, पेपर वगैरह सब फाइनलाइज हो गया है और इसी महीने ये सेबी को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करने वाले थे, यानी आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले थे, लेकिन कुछ बैंकर्स और इन्वेस्टर की सलाह पर इन्होंने अपने आईपीओ के प्लान को यहां पर डिले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने प्लान को इसीलिए डिले किया गया है, आपने देखा होगा कि अभी काफी ज्यादा गिरावट का माहौल चल रहा है और जितने भी आईपीओज आ रहे हैं या तो वो डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हो रहे हैं या फिर बिल्कुल लेवल पर। देखिए, जिन कंपनियों में डबल के आसपास लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए वहां पर आपको 10-20% का ही लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो इस वजह से इनके जो बैंकर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सलाह दी है कि इस आईपीओ को डिले कर देना चाहिए कुछ महीनों के लिए और कंपनी ने इस आईपीओ को डिले कर दिया है, यानी कि अब यह आईपीओ कुछ दिनों बाद आपको आता हुआ नजर आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि यह खबर भले ही थोड़ा सा बुरी लग रही है, लेकिन यह कंपनी ये जो खबर है मुझे लगता है कि अच्छी है, क्योंकि अभी करीबन 50 से ज़्यादा ऐसे आईपीओज हैं जिनको सेबी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है और ये कभी भी मार्केट में ओपन हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे में अगर ये आईपीओ भी अप्लाई किया जाता तो निश्चित रूप से भीड़ में ही ये आईपीओ आता और देखिए, भीड़ में जब आईपीओ आते हैं तो निश्चित रूप से पता नहीं चलता है किस में अप्लाई करें या फिर 5-6 आईपीओ एक साथ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ निपट जाएंगे, 50-60 आईपीओ हैं जिनको सेबी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, तो एक एक करके ये आईपीओ आते रहेंगे, कुछ महीनों बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये आईपीओ आएगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा और हमारे लिए अप्लाई करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे यहाँ पर बताया गया, अगर साइज़ की बात करें तो ये जो फर्स्ट क्राई कंपनी है ये अपना वैल्यूएशन आईपीओ के बाद करीब 7 बिलियन का रखने की उम्मीद कर रहे थे और इन्होंने अपना जो इशू साइज़ है वो करीब 1 बिलियन के आसपास, $1 बिलियन के आसपास रखने का यहां पर लक्ष्य रखा था, जिसमें ऑफर फॉर सेल की अगर बात की जाए तो करीब $700 मिलियन का यहां पर इन्होंने ऑफर फॉर सेल रखा था और बाकी का जो इशू है वो फ्रेश इशू के जरिए लाने की यहां पर बात कही गई थी। लेकिन खैर, अभी आईपीओ कुछ महीनों के लिए डिले होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यह आईपीओ आता हुआ नजर आएगा और हम इसमें अप्लाई करेंगे, अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आएगा। तो जब भी यह आईपीओ आएगा आपके लिए पूरी एनालिसिस, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, फाइनेंशियल कैसे हैं या फिर किस तरीके से ये कंपनी वर्क करती है, सभी कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।